प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्रमा जादौन और खबर धामपुर से है। भू माफियाओं द्वारा नगर पालिका के तालाब की संपत्ति खुर्द बुद करने के मामले में पालिका सभासदों ने सब रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों को शिकायत कर लगाई गुहार। धामपुर नगर व क्षेत्र की बेशकीमती जमीनों को खुर्द बुद करने के लिए इस समय भू माफिया सक्रिय है, जिसके अंतर्गत आज नगर पालिका परिषद धामपुर के सभासदों ने उप निबंधक धामपुर कमलेश कुमार गौतम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका के तालाब की संपत्ति को जबरन विक्रय करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद धामपुर के खसरा नंबर 1313, 1314, 1315 तालाब की संपत्ति है, जो मोहल्ला अफगानानान में बसंत टॉकीज के सामने स्थित है, जिस पर दर्शन सिंह निवासी ऋषिकेश उत्तराखंड तथा संदीप निवासी धामपुर आपस में हमसाज होकर कुलवंत सिंह आदि के हक बैनामा कराने की फिराक में है। इस मामले में हम लोगों ने पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर तथा उपजिला अधिकारी धामपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उपरोक्त भूमाफियाओं के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। यदि समय रहते उपरोक्त भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है तो उपरोक्त भूमाफिया नगर पालिका धामपुर के तालाब की संपत्ति को खुर्द बुर्द कर देंगे, जिससे नगर पालिका परिषद तथा प्रदेश सरकार को आपार हानि होगी। इसलिए उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराकर संपत्ति तालाब को खुर्द बुर्द होने से बचाया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आज रजिस्ट्री ऑफिस में शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। ये एक पहले प्रकरण उठाया था हम लोगों ने कि नगर पालिका की संपत्ति है तालाब की, ये बसंत टाकी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के पास, उसकी जो है लोग कब्जा करने के चक्कर में थे, उसकी बाउंड्री भी करी थी, उसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब से करी थी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी, उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। आज वो लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं इसकी, तो उसकी आपत्ति लगाने के लिए हम लोग आए हैं।